हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहीस फैशन एंड लाइफस्टाइल। सो आज की शुरुआत हुई है नाश्ते के साथ। तो अभी बन रहा है नाश्ता मेरा, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का ये रूटीन है पूरा, जिसमें अभी बन रहा है नाश्ता जो मेरी बहुत फेवरेट है, सेवी, और मेरे डैडी की भी बहुत फेवरेट है सेवी। तो सेवी हमारी बन के रेडी हो गई है, और आज है क्या बोलते हैं उसे, माता पूजा जिसे बोला जाता है, और अखाड़ी महाराष्ट्रियन लोग जिसे बोलते हैं, तो हिंदी सेंटर में से माता पूजा बोलते हैं, जिसमें स्पेशली बच्चों के लिए होती है पूजा। तो अभी विहान नागपुर आया हुआ है, तो उसका मतलब उससे मैं मंदिर लेके जा रही हूँ मम्मी के साथ में। तो ये देखिए कैसे तैयार हो गया ये वाला। तो आज उसे नए नए कपड़े पहना था, उसकी छोटी मासी ने इसे दिया था, मतलब उसकी हनी की मम्मी ने इसे दिया हुआ था, जिसे ये पीपू मौसी बोलते हैं। तो उन्होंने उसने उसे ये कपड़ा दिया था, तो ये पहना हुआ है ड्रेस में, तो उसे बहुत पसंद आया वो। और हम लोग जा रहे थे मंदिर, तो रास्ते में ही दादी मिल गई उसकी, तो दादी से ये बात कर रहे हैं अभी, और हम निकल गए वहाँ से। और ये घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही था, तो हम लोग ऐसे ही पैदल जा रहे थे। और ये देखो कितना क्यूट लग रहा है ना, तो ये मस्ती करते हुए जा रहा था, तो मस्ती करते हुए जा रहा था मतलब ये बहुत मस्ती कर रहा था। और वो ना ये शाम तक ये कपड़े को इसने निकाला नहीं था, इतना इसे पसंद आया था। तो देखिए हम मंदिर पहुँच ही गए, ज़्यादा दूर नहीं था, ये पास में ही था। एक्चुअली ये घर पर ही मंदिर है, शीतला माता जिसकी पूजा करते हैं, तो ये स्पेशली बच्चों के लिए रहता है जो बताया। तो इसमें मतलब दही भात चढ़ाया जाता है, पूजा करते हैं, और स्पेशली देखो मम्मी की ऐसी थाली सजी हुई थी। इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर जितना पता है मैं उतना आपसे बता रही हूँ। तो बस यही है, एक के बाद एक सब पूजा कर रहे थे यहाँ पे, सभी अपने बच्चों के साथ में आए हुए थे और आशीर्वाद ले रहे थे माता का, ताकि ये बच्चों को स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। तो बस यही देखो, लेडीज़ लोग का हल्दी कुकू शुरू था, तो मैं शूट कर रही थी ऐसे ही। और मतलब ऐसा होता है कि मतलब साल में आती है ये पूजा, स्पेशली बच्चे लोगों के लिए रहती है, तो उसी का था ये। तो विहान आया था इसलिए उसे लेके गया था तैयार होके। और आज गुरु पूर्णिमा भी था, तो मैं जस्ट हम लोग आ गए मंदिर से वापस घर, तो मैं कर रही थी घर की पूजा। और गुरु पूर्णिमा में जो अपने गुरु होते हैं उनका आशीर्वाद लिया जाता है, तो हमारे गुरु तो सभी लोग होते हैं, सबसे ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, छोटे से बड़े से सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, और वही सब हमारे गुरु होते हैं। तो देखिए अब पूजा मेरी हो गई थी सबकी, मतलब हम लोग घर आ चुके थे, और फिर नाश्ता रेडी था, तो हम लोग रेडी था तो हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। मैं, मम्मी, दीदी वगैरह हम लोग सब नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे। और मैं ये बोल रही थी कि ना सेवी मजाक में बहुत घाई घाई में बनाया था, लेकिन बहुत टेस्टी बन चुका था। तो ये तो हो गया था एक पार्ट। फिर आज था वीक ऑफ, तो मैंने सोचा वैक्सीन का सेकेंड डोज बचा हुआ था, तो फिर मिल रहा था, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ जाके, एक्चुअली थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो मम्मी मुझे बोल रही थी कि यार रेस्ट करना पड़ता है, और फिर तू कल ड्यूटी चले जाएंगी करके। तो खैर कोई नहीं, वैसे मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट डोज में भी कुछ नहीं हुआ था, मतलब कुछ नहीं का मतलब ये नहीं, बहुत से लोगों को फीवर्स वगैरह आ रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट मुझे फर्स्ट डोज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी सेकेंड डोज में भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। तो बस वही था कि हम लोग फिर पहुँच गए थे, मैं दीदी को लेने जा रही थी उसके घर पर, एक्चुअली अकेले कैसे जाऊं करके, तो दीदी बोले मैं भी साथ चलती हूँ। हम लोग को थोड़ा काम भी था, वीक ऑफ था, तो मतलब बहुत सारे काम थे, और घर का काम शुरू है, तो मतलब हमको टाइल्स वगैरह भी देखने जाना था, तो इस वजह से पहले मैं दीदी के घर जा रही थी उसे लेने के लिए, फिर हम लोग सेंटर की तरफ जा रहे थे। तो देखिए हम लोग सेंटर भी पहुँच गए थे, और ज़्यादा रश नहीं था, मतलब खाली ही था, तो आधे पौन घंटे में हमारा काम हो चुका था। तो बस वैक्सीन के लिए मैं वेटिंग पे बैठी हुई थी, तो ये कुछ बंदे ही बचे हुए थे, इनके बाद मेरा नंबर था, तो बट उसी की वेटिंग थी। तो देखिए मेरा नंबर आ चुका है, और मैं जा रही थी वैक्सीन के लिए, मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे पूरी कर रहे थे, और देन फिर उसके बाद मैं जाती हूँ वैक्सीन के लिए। सो मुझे सच में पहले डोज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, एक्चुअली हमारा क्या बोलते फ्रंट वॉरियर है,
तो हमको फर्स्ट डोज पहले ही मिल चुका था और सेकेंड डोज का डेट आ चुका था, जो बोल रहे थे कि थर्ड मतलब सेकेंड डोज का भी डेट आ चुकी थी। तो देखिए मैं वैक्सीन लगा के निकल चुकी हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको वैक्सीनेट लेके? ये तो मेरा सेकेंड डोज था, मैं तो अपने आप को सुरक्षित कर रही, आप भी अपने आप को सुरक्षित करिए। ओके, डोज लगाइए और सेफ रहिए। ओके बाय। वैक्सीन लगा के निकल चुके थे वहाँ से और हमें जाना था मार्केट, तो हमने टाइल्स वगैरह की लेके बुक कर लिए थे जो हमारा नेक्स्ट डे घर पे आने वाला था। लिटरली हम बहुत थक चुके थे, हम लोग बहुत देर से घर से निकले हुए थे तो बहुत थक चुके थे, क्योंकि एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरे से तीसरी दुकान, ऐसे करते करते हम लोग निकल रहे थे। तो ये नागपुर का लोकल मार्केट है महल, तो हमें कुछ सामान लेना था बिहान के बटी का, तो हम लोग बस उसी के लिए घूम रहे थे। फाइनली हम लोग अपना सारा काम खत्म करके घर आ चुके हैं। थोड़ा टाइम हुआ है अभी घर आके हम लोग को, और अभी फ्रेश हो के खाना वाना खा के, क्योंकि बहुत जम के भूख लग गई थी कि हम लोग काफ़ी टाइम से घर से निकले हुए थे, तो फिर बहुत टाइम हो गया था, तो जल्दी हम लोग ने अपना सारा काम किया। और काम भी हमारे ऐसे थे कि मतलब उसमें बहुत टाइम देना पड़ा था हम लोग को, एक्चुअली घर का काम शुरू है तो हम लोग थोड़ा सामान वगैरह देखने के लिए गए थे, तो टाइल्स वगैरह हम लोग देख कर आए हैं अभी, तो ज़्यादा शूट तो नहीं करी, वैसे भी शूट करते नहीं है, बट थोड़ा सा तो था और मैंने किया था बस ऐसे ही क्लिप, तो बस वही था। और बहुत सारा काम था हमको, जो हम लोग सारे मार्केट घूम रहे थे। एक्चुअली अभी नेक्स्ट वीक मतलब बोल सकते हैं कि विहान का बर्थडे आ रहा है, तो उसी का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे, और अभी एक ही वीक ऑफ था मेरे पास में, तो हम लोग सारा फिर अपने थोड़े काम निपटा रहे थे। और जैसे कि घर का काम शुरू है तो उसका भी कुछ काम पेंडिंग था थोड़ा सा, तो हम लोग टाइल्स देखने के लिए गए थे दीदी और मैं, तो हम लोग वो सब कुछ देख कर आया, थोड़ा काम था। तो नागपुर का ही जो लोकल मार्केट है महल और गांधीबाग हम लोग आज गए थे, थोड़ा और काम था वहाँ पे, तो वो कर आए हैं अभी, तो बहुत ज़्यादा थक गए। एक्चुअली हम लोग मतलब निकले थे वैक्सीन के लिए, मुझे वैक्सीन लगवाना था, एक्चुअली वीक ऑफ था आज, तो मेरा सेकेंड डोज का टाइम आ चुका था, और सब लोग मतलब ऐसा सोच रहे थे सेकेंड डोज कैसे, तो हमें बता दूं कि हम लोग फ्रंट वॉरियर में आते हैं, तो इसलिए हम लोग का फर्स्ट डोज पहले ही लग चुका था, मतलब 18 प्लस वाला शुरू होने के पहले ही हम लोग का फर्स्ट डोज लग चुका था। सेकेंड डोज की डेट आ चुकी थी, तो आज वीक ऑफ था इसलिए मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया, फिर बाकी वो पेंडिंग में चला जाता था, इसीलिए जितने जल्दी क्लियर कर लो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे मेन पॉइंट कि मैंने तो अपने आप को सेफ कर लिया, अब आप लोग की बारी है, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी अपने अपने वैक्सीन कंप्लीट कर लो, ताकि फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी और हम लोग अच्छे से रहेंगे, मतलब बिना कोई टेंशन के, सो मतलब सेफ रहेंगे। और मतलब हम लोग निकले थे आज सुबह भी नहीं, मतलब एक्चुअली हम लोग वैक्सीन लगाने से बैठे थे तो बहुत टाइम हो गया था, वहाँ पर खाली था वैसे, बट कैसे टर्न टू टर्न वो एक एक लेके जा रहे थे, इसीलिए मैंने फर्स्ट डोज भी फ्री में लगाई थी, सेकेंड भी मैंने फ्री में ही लगवाया है, तो हाँ तो बस उसी के लिए थोड़ा टाइम हो गया था। फिर हम लोग वैक्सीन लगा के मतलब वहाँ से निकले, मतलब वैक्सीन लगा के हम लोग फिर जो हमारे काम था वो एक 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 करके हम लोग निपटा रहे थे, और वो सब कुछ अभी हो गया है, और मेरा फेस देखो कितना थका थका सा लग रहा है, सच में बहुत थक चुकी हूँ मैं अभी, और एकदम ड्राइव कर करके मतलब हाथ भी थोड़े पेन हो रहे हैं, और अभी मुझसे मेरा कैमरा भी पकड़ा नहीं जा रहा है, तो कोई नहीं, होता है। तो अब बस वही था, फिर मैंने सोचा अभी घर आई हूँ, आप लोग से बात नहीं हो पाई थी थोड़ी सी, तो थोड़ा आप लोग के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ। और मतलब मैं आज मॉर्निंग से ब्लॉग कंटिन्यू कर रही थी जो भी हो रहा था आज, और वैसे भी आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे गुरु होते हैं वही हमारे सब कुछ होते हैं, जिनसे हम सब कुछ सीखते हैं, तो वही था। और आज सेकंड ये है कि मतलब बच्चों का एक पूजा होती है, माता पूजा जिसे बोलते हैं, तो मतलब सभी लोग वो करते हैं, तो मेरे घर पे भी वो ही थी, उसका भी मैंने आपको एक छोटा सा व्लॉग दिखाया है। तो जस्ट बोलते हैं मतलब ये पूजा स्टार्ट होने से सारी अपने सारे फंक्शन जो होते हैं ना मंथली जो आते हैं वो सारा स्टार्ट होता है, तो बस वही था उसकी शुरुआत थी ये वाली, तो इसलिए ये धूप का थोड़ा शेड आ रहा है, कितना बचा होगा,
शायद 5 बज रहे हैं, 5:30, 5:45 कुछ हो रहा है। तो वही मैं फिर सोचा आप लोग के साथ थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो बस वही था। और आज जैसे पूजा थी, मैं बता रही हूँ, तो पूजा के लिए कुछ स्पेशल निवेद निकलता है, मतलब निवेद बनाया जाता है, तो मम्मी उसका बना रही है। तो मैंने आज मतलब घर का कोई काम नहीं किया, सिर्फ सुबह का नाश्ता बनाया था, बस वही किया है। उसके बाद मेरे सारे बाहर के काम ही चल रहे थे, तो वही था। बस एक ही वीक ऑफ मिलता है, बट वो वीक ऑफ में भी अपना सारा काम निपटाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का सारा हम लोग ही कर लेते हैं, तो इसलिए फिर सारा देखना पड़ता है। तो वो वीक ऑफ में ही हमको कंप्लीट करना पड़ता है। अभी तो रेगुलर जॉब शुरू हो चुकी है, तो फिर पहले जैसा ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग अपने काम कंप्लीट कर ले। तो बस वही था। तो मैं आज दीदी के साथ गई, एक्चुअली दीदी के घर का भी काम शुरू है, मेरे घर का भी काम शुरू है, तो हम लोग बस उसी के लिए बाहर निकले हुए थे, जो कि कंप्लीट करके आ चुके हैं। तो अभी मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ, मतलब आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग का अच्छा लगा होगा मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग जो था पार्ट, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, देखा मैं कितने सारे काम कर लेती हूँ और मतलब क्या क्या चलते रहते हैं, मतलब एक दिन में भी हम कितने सारे काम निपटा लेते हैं। तो बस यही सब कुछ था। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो थोड़ा खाना जो आज बन रहा है ना, उसे मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में। Bye-bye.